सो लेट गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के ओल्ड डिवाइस के अंदर आप जो है फॉन्ट बाई कैसे कर सकते हैं। जी हां गाइस, आज आपको हम बताएंगे तरीका थीम स्टोर एप्लीकेशंस के अंदर से आप जो है किसी भी फॉन्ट को बाई कैसे कर सकते हैं। तो वैसे तो हमने काफी सारे ऐसे वीडियोस भी बनाई हुई है कि आप जो फ्री के भी फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो, जो कि जेड फॉन्ट एप्लीकेशन है, यू फॉन्ट स्टाइल फॉर वीवो है, आप इन सभी से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी पर्टिकुलर फॉन्ट है जो आपको पसंद आ रही है, जो कि थीम स्टोर एप्लीकेशन के अंदर, तो आप उसे परचेस कैसे करेंगे। तो चलो आज की वीडियो हम डेमो करेंगे कैसे हम किसी फॉन्ट को बाई कर सकते हैं। वीवो के किसी भी डिवाइस के अंदर आप इस चीज को कर सकते हैं। तो चलो फटाफट डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं फॉन्ट बाई कैसे करना है हमें अपने फोन के अंदर। इस फॉन्ट बाई करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे थीम स्टोर एप्लीकेशंस के अंदर। तो यहां पर हमारा थीम स्टोर एप्लीकेशन है, थोड़ा सा ब्राइटनेस में तेज कर लेता हूं ताकि आपको दिखेगा अच्छे से। तो ये है थीम स्टोर एप्लीकेशंस हमारा, और यहां पर मैंने फॉन्ट वाले ऑप्शंस को ऑलरेडी इनेबल्ड करके रखा है। आप जो यहां से फॉन्ट्स को, किसी भी फॉन्ट को चूज कर सकते हैं इस तरह से, आप स्क्रॉल डाउन करके जो भी फॉन्ट पसंद आता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे पसंद आ गया फॉर एग्जाम्पल। और अगर आप देखेंगे तो इसकी प्राइस जो अभी 60 रुपीज है, लेकिन कुछ लोग फॉन्ट अगर अच्छा लगता है तो बाई कर लेते हैं, जरूरी मैटर नहीं करता कि ये प्राइस है कितना। तो अगर आपको भी इस तरह से बाई करना है तो कैसे करेंगे, हालांकि फ्री ट्रायल है, एक बार आप इसमें फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे तो ये फ्री ट्रायल में डाउनलोड हो जाता है, और इसको ऑलमोस्ट 5 सेकंड के लिए आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपने कोई एड वगैरह देखनी है तो एड से देखेंगे तो 30 मिनट के लिए भी ट्रायल हो जाता है। तो आप पहले तो 5 मिनट ट्रायल करेंगे यूज करके कि ये जो फॉन्ट है एक्चुअली जो हमने पसंद करा है वो अच्छा है या नहीं है, उसके बाद आप डिसाइड करिए परचेस करने का। तो मैं आपको यहां पर एक रैंडम फॉन्ट परचेस करके दिखाऊंगा, मैंने यहां पर एक फेवरेट में डाल के रखा हुआ है क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है 30 रुपीज है, और आप भी इस फॉन्ट को बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, फेवरेट का एक ऑप्शन है, इसको मैंने यहां पर डाल के रखा है फॉन्ट को। ये है हमारा विशेष वाला फॉन्ट जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, वो मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है, और इसकी प्राइस भी 30 रुपीज ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको इजीली बाई करूंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे आपको इसे बाई करना अपने फोन के अंदर। गाइस, अगर आप इसे बाई करना कोशिश कर रहे हैं तो उससे पहले आपको इसका अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट दैट मीन्स कि हमारा, अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखेंगे तो एक ईमेल आईडी से हमारा जो ये रजिस्टर है हमारा अकाउंट, तो अगर आपका यहां पर रजिस्टर नहीं है तो आपको इसे साइन इन करना पड़ेगा, और इस पर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी है अकाउंट कैसे बनाया जाता है, वैसे उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। या तो आप यहां पर नंबर डालेंगे, अगर पहले से आपका अकाउंट है तो आप नंबर पे अकाउंट बनाए हुए हैं तो नंबर डाल के पासवर्ड डाल के आप लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपको नया बनाना है तो यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके वहां पर या तो अपना कोई नंबर डाल दीजिए या फिर कोई ईमेल आईडी डालेंगे, एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल के एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। फिर आपको ऐसे ही दिखने लगेगा, नंबर डालेंगे तो नंबर आपका शो होगा स्टार स्टार करके, बीच वाला नंबर नहीं दिखाई देंगे, और यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको सेम टू सेम शो होगा। अब बात आती है हमें परचेस करने की, तो मैं परचेस करूंगा इसी को, लेकिन जब तक अकाउंट नहीं बनाएंगे ध्यान देना तब तक ये चीजें परचेस नहीं कर सकते हो, तो पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना जरूरी है। इसके बाद हम यहां पर जाएंगे विशेष वाले फॉन्ट को मैं बाय कर रहा हूं, यहां पर परचेस नाउ पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास यहां पर ट्रांजेक्शन वाला ऑप्शन आएगा, इसके लिए हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पेटीएम से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग और बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं यहां पर यूपीआई से करूंगा ट्रांजेक्शन क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूपीआई का यूज करा हुआ है, पहली बार तो यूपीआई ऑलरेडी सेलेक्टेड था, तो यूपीआई से ही हम पेमेंट कर लेते हैं। हमारे पास ये नेक्स्ट पेज आ चुका है जिसमें हम यहां पर यूपीआई अपना एड्रेस डालेंगे, तो मैं यहां पर यूपीआई आईडी डाल देता हूं अपना। इसके बाद पे पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो पे है ये हमारा जो है यहां से हो जाएगा, और मैं यहां पर इसके दूसरे फोन से मैं इसका पेमेंट करूंगा सक्सेसफुली। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी ये प्लीज अप्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो अब यहां पर हमारे पास अप्रूव करना होगा। तो मैं इसके लिए जाता हूं अपने यहां पर जो यूपीआई हमारा है इसको ओपन करेंगे, नोटिफिकेशन आया होगा उसमें बस पिन डालना है, इसके बाद वेरीफाई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी प्रोसेस है इसको करना। तो चलो फटाफट हम इसको पे करते हैं। और गाइस, आप पेटीएम से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अगर चाहें तो पेटीएम का यूज कर लेना या फिर यूपीआई के जरिए भी कर सकते हो, दोनों सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कार्ड वगैरह का एक्सेस भी देना होगा तो कार्ड वगैरह से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको यहां पर क्लिक करके और मैं इस ट्रांजेक्शन को मैं यहां से पे कर रहा हूं 35 रुपीज, और मैं यहां से इसको मैंने पे कर दिया। ये हमने पासवर्ड एंटर करा और यहां पर पे पे हमने क्लिक कर दिया।
अब जो हमारा ट्रांजेक्शन है सक्सेसफुली हमारे पास से सेंड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा पेमेंट हो चुका है, और यहाँ पर भी हमारा फोन जो है प्रोसेसिंग पेमेंट लिख रहा है और सक्सेसफुली यहाँ पर ये पेमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है जो देख सकते हैं। अब गाइज हम इसको डन करेंगे। अब जो हमने फोन बाय किया था वो सक्सेसफुली हो चुका है और इसको हम फोन को अब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से ट्रायल वाला वर्जन हट चुका है और यहीं से हम इस फोन को अप्लाई करना चाहें, अप्लाइंग पे क्लिक करेंगे तो ये फोन जो है सक्सेसफुली हमारे फोन के अंदर अप्लाई भी हो जाएगा। देखो फोन तो अप्लाई हो चुका है, मैंने आपको दिखा दिया, और ऐसे ही करके आप जो है किसी भी फोन को बाय कर सकते हो। हालांकि एमआरपी सबकी अलग अलग रहेगी, जरूरी नहीं कि 30 रुपीज हो, जीएसटी वीएसटी लगा के यहाँ पर 35 रुपये में हमें ये फोन मिला है जो आप देख सकते हैं। अभी तो लाइटिंग काफी है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो ये है फोन। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फोन को बाय कैसे करना है किसी भी फोन के अंदर। तो अगर आपको फोन बाय करना है तो जाके कर सकते हैं, मैंने आपको इजी प्रोसेस बता दिया कि फोन को बाय कैसे करना है।